वेलकम अगेन फ्रेंड्स, दिस इज रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस एंड आई एम मुदस्सिर हामिद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे। यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल बी फोकसिंग ऑन द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बोर्ड पे दोनों का, आर्टरी और वेन का, टिपिकल आर्टरी और वेन का टिपिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है। यू कैन सी इन दोनों में से अगर ल्यूमेन की बात करें तो वेन्स का ल्यूमेन वाइडर होता है इन कंपैरिजन टू द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज। ल्यूमेन मतलब ओपनिंग जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होगा, राइट। वन मोर डिफरेंस यू कैन नोटिस हियर, आर्टरी के वॉल में जो सेकंड लेयर होगा दैट इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इज थिकर इन आर्टेरियल वॉल एज कंपेयर टू द वॉल ऑफ द वेन। वेनस वॉल में ट्यूनिका मीडिया थिनर होता है इन कंपैरिजन टू द आर्टरीज। तीसरा डिफरेंस आप यहां नोट कर सकते हो, वेन्स के ल्यूमेन में आप देख सकते हो वेन्स के वॉल से कुछ ओवरहैंग्स वेन्स के ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं। दीज ओवरहैंग्स आर वाल्व्स। These valves are responsible for controlling the flow of blood. लेकिन arterial lumen में ये valves नहीं होते। हम बारी बारी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्यूनिका एक्सटर्ना arterial wall में भी होता है और वेन के वॉल में भी होता है। What is this ट्यूनिका एक्सटर्ना? I'm going to write here ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहर वाला लेयर ब्लड वेसल के वॉल का बाहर वाला लेयर, दोनों में होता है, आर्टेरियल वॉल में भी होता है और वीनस वॉल में भी होता है। और व्हाट इज दिस ट्यूनिका एक्सटर्ना? दिस ट्यूनिका एक्सटर्ना इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस सम लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड longitudinal muscle fibers। तो tunica externa दोनों में होता है, arterial wall में भी और venous wall में भी, और it is composed of loose connective tissue plus इसमें होते हैं कुछ longitudinal muscle fibers। loose connective tissue, you might be knowing this, is rich in collagen fibers and elastin fibers। लूज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉलेजन फाइबर्स एंड लास्टिन फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना दोनों में होता है, इट इज कंपोज ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज रिच इन कॉलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। इसका मतलब ये है कि कॉलेजन फाइबर्स की मदद से वॉल को रिजिडिटी मिलेगी और इलास्टिन फाइबर्स की मदद से वॉल को इलास्टिसिटी मिलेगी। यहां पर मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, आर्टेरियल वॉल्स they are non-collapsible and more elastic. Arterial walls are non-collapsible and more elastic. इसका मतलब ये है कि इनके वॉल में, मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना में, ज्यादा कोलेजन फाइबर्स भी होंगे और इलास्टिक भी है, मतलब इलास्टिन फाइबर्स भी होंगे। इन कंपैरिजन अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स का वॉल ज्यादा इलास्टिक नहीं होता, इट इज लेस इलास्टिक एंड कोलैप्सिबल, लेस इलास्टिक एंड कोलैप्सिबल, राइट। इसके बाद आता है दूसरा कवरिंग, दूसरा लेयर वॉल का, जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। दोनों में होता है, हालांकि डिफरेंस ये है कि ट्यूनिका मीडिया इन द वेनस वॉल इज थिनर एज कंपेयर टू द ट्यूनिका मीडिया इन द आर्टेरियल वॉल। ओके, इस ट्यूनिका मीडिया के बारे में दो तीन वर्ड्स हम लिखेंगे, एक आध सेंटेंस हम लिखेंगे। ट्यूनिका मीडिया इज मोस्टली कंपोज ऑफ मसल्स। ट्यूनिका मीडिया ज्यादातर इसमें मसल्स होते हैं, इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ मसल्स
विच मसल्स थिक सर्कुलर या सर्कुलर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स सर्क्यूलर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स सर्क्यूलर नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन ट्यूनिका मीडिया एंड फाइनली देयर इज ट्यूनिका इंटरना. एक और डिफरेंस मैं यहां पर बताना चाहूंगा, आर्टरी के वॉल के ऊपर मैंने ये ग्रीन कलर का बनाया हुआ, इट इज इनर इलास्टिक लेमिना. अगेन इट इज रिच इन इलास्टिक फाइबर्स. बिकॉज ऑफ दीज इलास्टिक फाइबर्स इसका वॉल ज्यादा इलास्टिक होता है. ये जस्ट ट्यूनिका इंटरना के ऊपर होता है, लेकिन वेन के वॉल में दिस इलास्टिक लेमिना इज एब्सेंट इन केस ऑफ वेनस वॉल. राइट, लास्ट वन इज ट्यूनिका इंटरना. ट्यूनिका इंटरना क्या चीज है ये? दिस ट्यूनिका इंटरना इज कंपोज ऑफ स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. एंड दिस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज ऑल्सो नोन एज एंडोथेलियम. तो फिर से मैं जल्दी से एक रिपीट करूंगा, आर्टरी के वॉल में सबसे बाहर वाला लेयर, सबसे बाहर वाला कवरिंग ट्यूनिका एक्सटर्नल. दिस ट्यूनिका एक्सटर्नल इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स. देन इनर टू द ट्यूनिका एक्सटर्नल इन केस ऑफ आर्टरीज एज वेल एज इन केस ऑफ वेन्स देयर इज ट्यूनिका मीडिया. लेकिन ट्यूनिका मीडिया आर्टेरियल वॉल में थिक होता है, बट वीनस वॉल में ये ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिन होता है. राइट, then there and this tunica media as I wrote here is composed of non striated muscles just circular in shape. iske baad vein mein aayega jo blue color se maine banaya, it is tunica interna. tunica interna is the endothelium squamous epithelium. lekin arterial wall mein tunica interna ke upar bhi ek elastic layer hota hai, isko hum elastic lamina bolte hain. uske baad aayega this endothelium. endothelium composed of squamous, simple squamous epithelium, right? बाद में lumen की बात आएगी. lumen artery का narrow होता है in comparison to the lumen of the vein, which is wider. And vein के lumen में valves होते हैं. These valves are the hanging structures which are imaginations of the squamous epithelium into the lumen. They control the flow of the blood in these veins. वन मोर थिंग यू शुड नोट हियर, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा दैट ब्लड विल बी आर्टेरियल ब्लड. आर्टेरियल ब्लड बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हाँ, एक्सेप्शनली मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, एक्सेप्शनली देयर आर सम आर्टरीज विच आर नोन एज पल्मोनरी आर्टरीज. दोस पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिमिलरली वेन्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, बट एक्सेप्शनली पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से अराइज होती हैं, they bring oxygenated blood into the left auricle of the heart. Is it okay? इसके बाद capillaries आती हैं. Capillaries are very fine branches of arteries and veins. उनके wall में tunica media, tunica externa, tunica elastic lamina नहीं होते. The wall of the capillaries is merely composed of simple squamous epithelium, that is endothelium, right? And these capillaries are found in various organs and organ systems, and they are responsible for the exchange of materials between the tissue and the bloodstream. Okay? इसके बाद हम बात करेंगे आज के वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ disorders related to the circulatory system, right? मैंने आपको पिछले वीडियो में एक congenital और ischemic heart diseases के बारे में already बताया हुआ है, right? उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगा. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स. सो पहले ही हम कुछ हार्ट डिजीजेस के बारे में बात कर चुके हैं, लाइक कॉन्जेनेटल हार्ट डिजीजेस एंड इश्मिक हार्ट डिजीजेस. मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बताया है. मैंने आपको एंजिना पेक्टोरिस के बारे में बताया है. मैंने आपको पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में बताया है. इफ यू वांट टू नो अबाउट देम यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज हार्ट डिजीजेस. राइट, तो
तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में, राइट? लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे हाइपरटेंशन की. ओके, लास्ट वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज एक इंसान में होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मस्ट बी 120 mmHg एंड द डायस्टोलिक प्रेशर मस्ट बी 180 mmHg. अगर इस 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर से वैल्यू ज्यादा हो गया एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी 80 mmHg से ज्यादा हो गया, देन वी विल से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट? तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहां लिखना चाहूंगा. हाइपरटेंशन में आप लिखेंगे ऑकरेंस ऑफ persistent systolic pressure. Occurrence of persistent systolic pressure more than 140 mmHg. Agar सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा हुआ और परसिस्ट कर गया एंड ऑकरेंस ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन परसिस्टेंस ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 110 mmHg. किसी इंसान में अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg हो गया या 140 mmHg से ज्यादा हो गया और बहुत टाइम तक रहा, वापस नॉर्मल वैल्यू पे आई नहीं रहा. सिमिलरली अगर डायस्टोलिक प्रेशर 110 mmHg से ज्यादा हो गया और परसिस्ट कर गया, देन वी विल से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. या कुछ डॉक्टर्स इस वैल्यू को 90 to 110 mmHg भी बोलते हैं, राइट? इफ द सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस बियॉन्ड 140 mmHg एंड परसिस्ट्स देयर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस बियॉन्ड 90 से लेकर 110 mmHg एंड परसिस्ट देयर, देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट? अगर इंसान में ब्लड प्रेशर का वैल्यू 220 mmHg डिवाइडेड बाय 220 ओवर 120 mmHg आया, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 220 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, दिस वैल्यू इज वेरी डेंजरस. It is dangerous as it may cause hemorrhages. बहुत सारे organs में blood loss हो सकता है, hemorrhage हो सकता है. Like अगर आंख में hemorrhage हुआ तो the person can become blind. अगर brain के arteries में hemorrhage हुआ तो brain में blood supply आया नहीं तो brain को shock मिल सकता है, brain hemorrhage जिसको बोलते हैं, and all that. गोलमेला के बाद यह है कि दिस वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज वेरी डेंजरस. नेक्स्ट आफ्टर दिस हाइपरटेंशन इज लो ब्लड प्रेशर वैल्यू, जिसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे. ओके, आई विल राइट हियर हाइपोटेंशन. हाइपर माने ज्यादा, हाइपो माने कम, वही बोलूंगा मैं. Occurrence of persistent systolic pressure less than 110 mmHg. अगर systolic pressure
less than 110 mm of Hg and diastolic pressure less than 70 mm of Hg. अगर ये प्रेशर इंसान में हो गया और ये प्रेशर परसिस्ट कर गया बहुत देर तक, देन वी विल से दैट द पर्सन इज हाइपो इन हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन के कॉजेस क्या हो सकते हैं? इट कैन बी कॉज्ड बाय वासोडाइलेशन, परसिस्टेंट वासोडाइलेशन ऑफ आर्टेरियोस, One of the causes of this hypotension is persistent vasodilation of arterioles or reduced ventricular pumping. Ventricles blood ko acche se pump nahi kar pa rahe. Reduced ventricular pumping, valvular defects, etc. Right, these are the two. Yeah, कभी कभार इंसान को एनीमिया हो जाता है. एनीमिक पेशेंट में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. एनीमिक पेशेंट आर ऑल्सो हाइपोटेंसिक इन नेचर. इज इट ओके? इसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे हम एथेरोस्क्लेरोसिस की. Atherosclerosis. Right. It is the irregular thickening of the arterial walls. Arteries ke walls irregularly thick ho jate. For example, मान लो ये एक आर्टरी है, एंड दिस आर्टेरियल वॉल बिकम्स थिक. आर्टेरियल वॉल थिक होने से आर्टरी का ल्यूमेन नैरो हो जाता है. यू कैन सी लाइक दिस. This is a thickened arterial wall. अब सवाल यह है कि यह arterial wall thick कैसे हो जाता है? Arterial wall thick हो जाता है इसके ऊपर deposit होता है something. क्या इसके ऊपर deposit होता है? There occurs the deposition of yellow colored plaques. These plaques are known as atheromas, and these atheromas are rich in cholesterol mostly, aur bhi kuch lipid materials hote hain. ये कोलेस्ट्रॉल्स और लिपिड मटेरियल्स आर्टेरियल वॉल के ऊपर एक्यूमुलेट होने से आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो हो गया. नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी. राइट, दिस कंडीशन इन विच द नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज ऑकर्स ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ एथेरोमास और दैट इज कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड मटेरियल्स ऑन द आर्टेरियल वॉल्स is known as atherosclerosis. Is it okay? हाँ, one more thing. मैंने कहा it gets deposited on the arterial walls.
आर्टेरियल वॉल में अभी हमने देखा कुछ देर पहले आर्टरीज के वॉल पे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना होते हैं. तो वेयर दिस डिपॉजिशन ऑकर्स इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द आर्टेरियल वॉल. इज इट ओके? अगर ज्यादा डिपॉजिशन हो गया तो बैज औकात ये आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है. अब इमेजिन इफ दिस आर्टरी इज द कॉरोनरी आर्टरी एंड डिपॉजिशन ऑकर्स इन द आर्टेरियल वॉल ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी. अगर कॉरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गए तो देर विल बी नो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल. एंड वॉट कैन हैपन यू कैन इमेजिन. मैंने पिछले वीडियोज में इश्मिक हार्ट डिजीजेस के बारे में बताया है. अगर कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो हार्ट मसल में, हार्ट के मायोकार्डियम में ब्लड पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. देयर विल बी द इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, राइट? हां, अगर आर्टरी, कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक नहीं हुई लेकिन ल्यूमेन नैरो हुआ, नैरो ल्यूमेन होने से हार्ट मसल में ब्लड सप्लाई कम जाएगी, ब्लड सप्लाई कम जाने से अगेन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन ब्लड आएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, द पर्सन विल सफर फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस. ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट देम यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोज विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन, राइट? देर इज वन मोर डिसऑर्डर, बिल्कुल इसी वर्ड के जैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन हल्का सा डिफरेंस है. मैं लिखूंगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. यू कैन नोटिस द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स. दिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड दिस इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, राइट? व्हाट हैपेंस इन दिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अगेन मैं लिखूंगा थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल. थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल्स प्लस, थिकनिंग यहां भी होती है, प्लस लॉस इन इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वॉल्स. आर्टेरियल वॉल्स का इलास्टिक नेचर खत्म, विद द रिजल्ट आर्टरीज या आर्टेरियल वॉल्स बिकम हार्ड. हार्ड होते, हार्ड बोले तो वी कैन से दे बिकम फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मतलब प्रोन टू रप्चर्स, प्रोन टू क्रैक्स एंड ब्रेक्स. अब सवाल यह है कि आर्टेरियल वॉल्स फ्रेजाइल कैसे होते हैं, हाउ थिकनिंग कैसे होती है. हेयर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स, पर्टिकुलरली मेनली डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑकर्स इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, अगेन इन द ट्यूनिका मीडिया अलोंग विथ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर कैल्शियम साल्ट्स डिपॉजिट होते हैं कहां पर, इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द आर्टरीज. ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट मेनली द आर्टेरियल वॉल्स बिकम हार्ड, रिजिड. एंड अगर इन आर्टरीज के अंदर ब्लड अच्छे प्रेशर से फ्लो हुआ, कभी कभार इनके ब्रेक होने का चांस हो सकता है, रप्चर होने का चांस हो सकता है. अब यू कैन इमेजिन इफ दिस आर्टरी इज अ कॉरोनरी आर्टरी एंड कॉरोनरी आर्टरी रप्चर्स, हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचेगा नहीं, देयर अगेन विल बी द चांस ऑफ, देयर इज द चांस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस. इफ दिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ऑकर्स इन एन आर्टरी व्हिच सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन, तो ब्रेन में ये आर्टरी अगर रप्चर हो गया तो देयर कैन बी द चांस ऑफ ब्रेन हेमरेज, राइट? नेक्स्ट इज हार्ट ब्लॉक, या सॉरी नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर. इसके बाद हार्ट ब्लॉक बताएंगे. हार्ट फेलियर, हार्ट
फेलियर. और व्हाट इज दिस हार्ट फेलियर? इट इज अ कंडीशन इन विच हार्ट डजंट पंप ब्लड एज वेल एज इट शुड. हार्ट डजंट पंप ब्लड enough, or I can say it doesn't pump blood as well as it should. मतलब body का जितना blood का demand है, heart उतना blood supply नहीं कर पाता. किसी वजह से heart ने उतना blood supply नहीं किया. Then we can say that the heart has been failed. Its symptoms include दो चार सिम्टम्स में लिखूंगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटीग एंड रैपिड हार्ट रेट. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटीग, थकान होती है, एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट्स. जाहिर सी बात है, अगर डिमांड ब्लड की ज्यादा है तो हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा. विद व्हाट विल बी द रिजल्ट, हार्ट हार्ड वर्क करेगा, कोशिश करेगा बॉडी की ब्लड डिमांड्स को पूरा करने की. मतलब इट विल बीट फास्टर, देयरफॉर इंक्रीज इन द हार्ट रेट ऑकर्स. वन मोर पॉइंट हियर वी शुड नोट दैट मैंने पिछले वीडियोज में, जैसे मैंने कहा, मैंने मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में बताया हुआ था, एंड हमने उसमें एंजिना पेक्टोरिस के बारे में भी डिस्कस किया है. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मैंने बताया था, दैट वाज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक. उसमें क्या होता है, उसमें हार्ट मसल या तो पूरा का पूरा हार्ट मसल ही डिटीरियोरेट होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, या कॉर्नरी आर्टरी का कोई ब्रांच अगर ब्लॉक हो गया, तो जो वो ब्रांच जिस हार्ट मसल के जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा, वो पार्ट का, वो टिश्यू का, वो पार्ट ऑफ द टिश्यू का डेथ हो जाएगा. राइट, वहां पर डेथ ऑफ द टिश्यू होता है. मतलब हार्ट इज स्टिल रिसीविंग ब्लड, बट सम पार्ट ऑफ द हार्ट इज डेड. राइट, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हार्ट फेल्स टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडीज ब्लड. इट इज, इसको आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक के साथ. नाइदर इट कैन बी कंफ्यूज्ड विद एंजिना पेक्टोरिस. इट इज जस्ट द हार्ट फेलियर, नथिंग एल्स. इट इज नॉट कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट तुरंत कंप्लीटली बंद हो जाता है. इट स्टॉप्स बीटिंग एंड ब्लड सप्लाई टू द बॉडी स्टॉप्स. मैं यहां लिखना चाहूंगा, इट इज नीदर कार्डियक अरेस्ट, it is neither heart attack bole to myocardial infarction, and it is also not angina pectoris. ye teeno cheezon se alag hai. कार्डियक अरेस्ट में हार्ट पूरा का पूरा बैठ जाता है. इट फेल्स टू बीट, इट फेल्स टू अंडर गो सिस्टोल एंड डायस्टोल, इट फेल्स टू सप्लाई द ब्लड टू द बॉडी. राइट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक में होता क्या है कि हार्ट का थोड़ा सा टिश्यू या जितना डैमेज हो उतना ज्यादा टिश्यू का डेथ होगा. राइट, यहां पर हार्ट इज अनेबल टू मीट द डिमांड ऑफ द ब्लड ऑफ द बॉडी. मतलब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट बीटिंग कर रहा है, लेकिन जितना ब्लड इसको पंप करना चाहिए था, जितनी बॉडी के डिमांड है, उतना ही नहीं कर पा रहा. राइट, इट इज हार्ट फेलियर. हमारे पास नेक्स्ट वन है, अनदर वन इज देयर, दैट इज नोन एज हार्ट ब्लॉक. हार्ट ब्लॉक इज आल्सो नोन एज एवी ब्लॉक. Heart block, or it is also known as AV block. What is it? In this disease,
AV node gets damaged, right? AV node क्या है? Auriculo ventricular node. कहां पर ये located है? It is located at the junction of the inter auricular septum and inter ventricular septum. AV node is a part of the conduction system of the heart. हमने heart के conduction system पे भी एक video बनाया हुआ है. अच्छे से उसमें हार्ट का कंडक्शन सिस्टम हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड हाउ डज हार्ट बीट इज जनरेट, हाउ इज हार्ट बीट जनरेटेड एंड पास्ड थ्रू दैट कंडक्शन सिस्टम, यू कैन अगेन वॉच दैट वीडियो इफ यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल. अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं. वो हम यहां पर बता नहीं सकते, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा. तो एवी नोड द कंपोनेंट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, दिस एवी नोड गेट्स डैमेज्ड. अब सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए, हार्ट बीट जनरेट होती है SA नोड में. SA नोड इज लोकेटेड नियर द सुपीरियर वेना कैवा इन द राइट ऑरिकल. वहां से ये हार्ट बीट ट्रेवल करती है थ्रू इंटरनोडल पाथवे टू द एवी नोड. फिर एवी नोड इस हार्ट बीट को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू बंडल ऑफ हिस एंड पुरकंजी फाइबर्स इन टू द होल मस्कुलर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स. अब अगर एवी नोड ब्लॉक हो गया, डैमेज हो गया, मतलब यह है कि ये एवी नोड बंडल ऑफ हिस और पुरकंजी फाइबर्स की तरफ हार्ट बीट को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा. व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट विल बी वेंट्रिकल्स विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दे विल नॉट अंडरगो सिस्टोल एंड हार्ट ब्लॉक्स, राइट? सो मैंने क्या लिखा, हियर एवी नोड गेट्स डैमेज्ड एंड द कॉन्ट्रैक्शंस contraction waves, systolic contractions do not reach the ventricles. They do not reach the ventricles, right? It is also known as, मैंने कहा, it is also known as AV block. Is it fine? Is it okay? एक और छोटा सा डिफेक्ट है, वो भी हम यहां पर मेंशन कर ही देंगे. यू कैन राइट वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स, वेरी रेयर डिफेक्ट, सॉरी, वेरिकोज वेन्स. अभी हमने बात की वेन्स में, वॉल्स में वाल्व्स लगे होते हैं, राइट? दो चीजें मैं लिखूंगा. ऑन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कुछ कुछ लोगों में, इंसानों में, जब वो ज्यादा खड़े रहते हैं या और ड्यू टू डिफेक्ट इन द वाल्व्स, ड्यू टू defect in the valves of the veins, of legs. What happens? कभी कभार जो हमारी टांगों की veins होती हैं, उनके valves में defect होता है, या कभी कभार इंसान बहुत देर तक continuously खड़े रहने से भी ये चीज होती है. What does it mean? जो टांगों की वेन्स होती हैं, दोज वेन्स बिकम स्वोलन, टॉर्टोरस हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, बहुत स्वोलन हो जाते हैं, एंड दे बिकम इमिनेंट, दिखने लगते हैं. इसका एक ही इलाज है, सर्जरी. सर्जरी से वो पार्ट वेन का जिसमें वेरिकोस नेचर आ चुका है, वो पार्ट सर्जरी से काट कर उसको सील किया जाए, राइट? द सिम्टम इज स्वोलन, टॉर्टुरस वेन्स, डायलेटेड टॉर्टुरस स्वोलन वेन्स. राइट? तो इट वॉज ऑल अबाउट सम ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्क्युलर सिस्टम. इज इट ओके? नाउ इस
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाले चैप्टर में, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में हम लास्ट में एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे पोर्टल सिस्टम्स की, लाइक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम्स, रीनल पोर्टल सिस्टम्स एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम्स. ओके, आफ्टर दैट वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस. बट आई विल नॉट गो विद द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस के हिसाब से मुझे जाना चाहिए था. इसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. आई विल नॉट गो विद द सीक्वेंस. व्हाई? बिकॉज हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे हैव डिमांडेड दैट सर इसके बाद, उन्होंने डिमांड किया सर इसके बाद आप प्लीज सेंस ऑर्गन्स के ऊपर कुछ वीडियोज बनाइएगा. सो आफ्टर फिनिशिंग दिस, इसमें एक वीडियो हम और लगाएंगे, उसमें हम पोर्टल सिस्टम्स पढ़ाएंगे. आफ्टर पोर्टल सिस्टम्स आई विल स्टार्ट माई नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन सेंस ऑर्गन्स. ओके, थैंक यू.